पीडीएम हुकूमत की जानिब से इलेक्शन में 54 तरामीम पेश करने के बाद पीटीआई अराकीन ने उसे जबरदस्त तनकीद का निशाना बनाया। जवाब में ख्वाजा आसिफ ने भी उन्हें आड़े हाथों ले लिया। ख्वातीन के एहतजाज के बाद स्पीकर ने मुतअद्दिद अल्फाज हज़्फ कर दिए। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। बात करते हुए जो है जिसका एक माजी भी हो एक कॉन्टेक्स्ट भी हो थोड़ी सी शर्म थोड़ी सी हया करनी चाहिए। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पीडीएम हुकूमत की जानिब से इलेक्शन में 54 तरामीम पेश की गईं तो पीटीआई के अराकीन की जानिब से इसे हद्फे तनकीद बनाया गया, जिसके जवाब में ख्वाजा आसिफ ने उन्हें आड़े हाथों लिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जो ख्वातीन वर्कर्स के पीछे छुपता है उसकी क्या बहादुरी होगी। ये बाकियात है, खंडरात है उनके, गार्बेज रह गया हुआ है उनका यहाँ पे, which has to be cleaned। आज उसको अदालतों में पेश होने की जरूरत नहीं है, अपने वर्करों को कैद करवा के खुद चूहे की तरह छुपता फिरता है। जवाब में पीटीआई की सेनेटर जरका सोहरवर्दी ने कहा कि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, जबान हमारे मुंह में भी है लेकिन हमारी तरबियत इसकी इजाजत नहीं देती। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, ऐसी बातें ना कहें, हमारे मुंह में भी जबान है, सिर्फ हमारी तरबियत ऐसी नहीं है, हम माफ करते हैं आपको लेकिन अपने किरदार को इम्प्रूव कीजिए। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान पीटीआई की खवातीन बार बार एहतजाज करती रहीं। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने वफाकी वजीर की तकरीर से चंद अल्फाज हज़्फ कर दिए।